वही अगली खबर धमतरी जिले से है, जहां कुरूद स्थित एक प्राइवेट बैंक में खाताधारियों का करोड़ों रुपए हजम करने वाले बैंक मैनेजर और उसके सहयोगी तजेंद्र साहू के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बैंक के मैनेजर और उसके सहयोगी तजेंद्र साहू ने बचत खाता और अन्य माध्यमों से लोगों के खाते में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। बैंक के खाता धारकों के खातों से फर्जी तरीके से पैसा भी निकाल लिया गया, जिसके चलते पुलिस ने प्रार्थी खाता धारकों और बैंक से आवश्यक दस्तावेज जुटाकर बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक और उसके सहयोगी तजेंद्र साहू के खिलाफ 22 पीड़ित खाता धारकों की रिपोर्ट पर 1,84,00,000 रुपए की हेराफेरी का मामला दर्ज कर लिया है। इसके तहत ही एडिशनल SP अभिषेक सिंह ने बताया कि 1,84,00,000 रुपए का हेराफेरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। HDFC में एक बैंक मैनेजर थे श्रीकांत त्रिवेदी और उनके एक एजेंट थे जिनका नाम तेजेंद्र साहू है। ये दोनों लोग यहाँ के कुरूद के आसपास से ग्रामीणों के पास जाते थे और उन्हें झांसा दे देकर FD के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, उनसे जो पैसे लेते थे, कई बार चेक भी लिए, कई बार कैश भी लिए, कई बार उनके फोन से खुद ट्रांसफर किए और वो अपने अकाउंट में करके, HDFC बैंक में ना करके, FD या और किसी फंड में ना करके, खुद के अकाउंट में करके काफी लंबा घोटाला किया, लगभग 1,84,00,000 के आसपास का है। और ये घोटाला जब प्रार्थी सामने आने लगे तो हम लोगों को समझ में आया, फिर बैंक से जांच हुई, बैंक ने जांच करके आवेदन दिया है, उसके बाद हम लोगों ने उस पर FIR की है। अभी लगभग 17 लोग हितग्राही है, अभी और आएंगे तो 17 के बाद फिर 23 हो गए, अभी तो अभी और अगर आएंगे तो उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। 4,420,467,868 लगी।